मॉर्निंग गाइस फ्रॉम अनिनी। अभी सुबह का 7:30 हो रहा है और ये लुक एट द व्यूज, कितना सुंदर नज़ारा है। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और कल तो मायाडिया में हमें बहुत ज़्यादा स्नोफॉल मिला, और मायाडिया के बाद हमें लगता नहीं था कि अनिनी में भी ऐसा मिलेगा कुछ, लेकिन अनिनी में मिल गया हमें ये। अभी तो बहुत ही कम लोग आए हैं अनिनी, लेकिन अभी स्नोफॉल के बाद बहुत ज़्यादा लोग आने लगेंगे धीरे 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 इस जगह पे। और आज हम जाएंगे सिगु कैंप, सिगु कैंप है वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद अभी रेडी हो रहे हैं सिगु कैंप के लिए। और हमारा मुडिट कहाँ है, देखो मुडिट कैसे रेडी हो रहा है यहाँ पे। ये मुडिट लाइट लेके, तो मुडिट ये लेके बैठे हुए हैं। जलाओ ना मुडिट, जला लो। नहीं जल रहा, नहीं जल रहा। ओके, बैटरी से चलती है ये। रेडी? हाँ रेडी। अरे आपने चलो फिर चलते, आके मिलते हैं फिर से। हाँ 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 बिल्कुल। बेबी इज क्राइंग। हम जा रहे सिगु कैंप, हमारे साथ ये होनाली दी, होनाली दीदी है। हमने हाइजेक कर लिया। आपको इस बारे में, इस एरिया के बारे में कुछ बताइए आप, क्या है, क्या खासियत क्या है इसकी? खासियत क्या क्या मिलता है यहाँ पे? माउंटेन्स में फ्रेश फ्रेश हवा मिलता है। और खाना खाना पीना कैसा रहता है यहाँ पे? खाना पीना तो ठीक ठाक है, अभी आप लोग कैसे खाना चाहिए उसके हिसाब से होता है। अच्छा, लोकल भी मिल जाता है। लोकल लोकल दारू? नहीं, हाँ दारू भी मिल जाएगा। लोकल दारू खाने के लिए, पीने के लिए? पीने के लिए हाँ मिल जाएगा। ऐसे अनिनी का सुबह सुबह, अनिनी देखिए यू चालान, अनिनी लिखा हुआ है। ये क्या बढ़िया रास्ता बना रखा है अनिनी में। रोड देखो कहाँ कहाँ से रोड निकलती है। एक गैंग ऑफ 60 प्लस लोग मिले थे, रिटायर्ड पर्सनल, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो लेके आए है ना, स्कॉर्पियो 5 पीछे 3 आगे 4 2 5 लोग थे ना, 5 लोग रिटायरमेंट हो तो ऐसा। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. Let's go on the way. On the way to Sigu Camp, ये देखो ये जो पेड़ दिख रहा है ना, ये इलायची के पेड़ है। ये अरुणाचल में बहुत ज़्यादा इलायची की खेत होती है, तो ये इलायची है। कौन सी जगह? अच्छे सो, अच्छे सो जा रहे हम, जहाँ पे सिगु कैंप वगैरह है। तो ऐसी ब्रिज भी मिलते हैं, पुरानी वाली लोहे की ब्रिज। दुनिया नंबर 7575। ये वाली ब्रिज बहुत मिलती है यहाँ पे, पुरानी ब्रिज लोहे की। ब्रिटिश टाइम का होगा शायद। ते टाइम वापसी के टाइम हम यहाँ पे खान लंच करने आ जाएंगे। तो पहले ऑर्डर दे दिया हमने 5 लोगों के लिए। क्या व्यू, ये देखो टेंट है, रहने के लिए टेंट की फैसिलिटी, खाने के लिए, बैठने के लिए ये टेबलेबल है, टेबल बेंच है, अभी कोई प्रॉब्लम। इतना अच्छा व्यू गाइस, ये है अनिनी तो समथिंग एल्स इस दुनिया में। मैं तो बहुत खुश हो गया कि यहाँ पे आप लोग भी आइए, मज़ा लीजिए इस लोकेशन की। देखो सामने जो रिवर है, कितने क्रिस्टल, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्लियर वाटर। वाह, क्या ही वाटर है, सामने व्यू गाइस। अनिनी ये बहुत ही मतलब अनएक्सप्लोर्ड है अभी भी। फिर से बारिश आ गई, बारिश, स्नो होना चाहिए ब्रूनी में। अच्छा ब्रूनी में, ब्रूनी काफी ऊपर होगा फिर। कितना जूम तो नहीं आता, वो ये है वाटरफॉल्स। और अगर
और ये जो एरिया है गाइस, ये दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। यहाँ से चल के जाना पड़ेगा ना, ये से इस राइट साइड से चल के जाना पड़ेगा। एक वाटरफॉल है, ये जो वाटरफॉल दिख रहा है ऊपर, ये है माऊ वाटरफॉल। तभी ये वाटरफॉल जाने के लिए हम वाटरफॉल तक जाएंगे, इधर से ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। तो दिस इज़ द वे टू गो टू द वाटरफॉल, सो हम जाएंगे अभी इस वाटरफॉल। और ये आता है बिल्कुल ब्लूनी और अनिनी के बीच में, उस बीच रास्ते में। तो हमने इधर गाड़ी पार्क कर दी, तो संभल के गए, संभल के। चलो जंगल सफारी शुरू यहाँ से। जंगल सफारी है यहाँ से माऊ आंडो फॉल्स। अच्छा माऊ फॉल्स, माऊ आंडो, इनके लोकल लैंग्वेज में आंडो मतलब ही फॉल्स है। वो देखो गाइस रोड तो देखो। कैसी कैसी रोड बना रखी है यहाँ पे, ट्रैक करके जाना पड़ रहा है हमें। मुरीत आर यू कमिंग, हुई इज योर मॉम, बी केयरफुल, हाँ मुरीत बी केयरफुल, स्लोली एंड स्लोली। वाओ ये है वुडन ब्रिज, वुडन ब्रिज चाहिए भाई। चलो वाओ वाओ, आवाज सुन रहे गाइस, आवाज वाटरफॉल्स की आवाज, ये से ध्यान से ध्यान से, मेरे स्लिप हो जाए, बस स्लिप जा, स्लिप जा, स्लिप है। यहाँ पे बारिश हुई थी रात को या कल से ही हो रही है बारिश यहाँ पे, तो इसीलिए देखो ये वाली ये है ना, हाँ हाँ चढ़ाई फिर। ये नजारा देखिए, वाह वहां से आ रहे वाटरफॉल, यहाँ पानी गिरता है। और ये यहाँ तो आते आते और 7 किलोमीटर है ब्रोनी, और यहाँ से तो बर्फ का कुछ झलक दिख रहा है, और आगे तो और ज़्यादा होगा। अभी बारिश भी हो रही है ऊपर से, तो पूरा पूरा चांसेस है बर्फ मिलने का। और जो ज्यादा हो रहा है बर्फ पड़ी, अरे अरे अरे, अबे एंटी करना पड़ेगा ना गाइस, बर्फ पड़ी, सी सी बर्फ पड़ी गाइस, स्नोफॉल स्नोफॉल इन स्नोफॉल, देखो अरुणाचल प्रदेश का आगो पैगल स्नोफॉल। वाह कितना हैवी स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, कितना मजा आ रहा है। बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल, ये खाचे हो गया। लग गया क्या, लगी तो नहीं तो
ये है ब्रूनी का चेक पोस्ट, यहाँ से आगे 3-4 किलोमीटर जा पाएंगे शायद ना, 2 किलोमीटर जा पाएंगे। एंड यहाँ देखिए पूरा स्नो हो रखा है, वहाँ पे वाटरफॉल है। एंड वाह, हमने एक्सपेक्ट किया था ये वाला स्नो मिलेगा, लेकिन स्नो फॉल मिल गया। ये मिस कर रहे थे हम पूरा। ब्रूनी तो इसे आगे जा नहीं सकते, देखो फोटो वोटो खिंचवा रहे। यहाँ से ट्रैकिंग है, बॉर्डर टॉप। मरीज कैसा लग रहा है? मरीज सुनो सुनो पकड़ो, ऊपर जा रहे सुनो। हैवी स्नोफॉल। सो ये एंड पॉइंट है ब्रूनी, जहाँ तक अलाउड है सिविलियन। इसके बाद तो ट्रैकिंग ही कर सकते हैं आप, इसके बाद भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। 12-15 किलोमीटर की ट्रैकिंग होते हैं यहाँ से। और यहाँ पे देखो क्या स्नोफॉल है, नीचे रिवर, इतना हैवी स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे ब्रूनी जो है अरुणाचल। और नीचे लगभग 40-50 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये अनिनी टाउन से। एक तो मायोडिया पास में स्नोफॉल होता है। बढ़िया लगी से, भाल लगी से यार, मजा आगे। स्नोफॉल चाहिए ले, कबार देखी चले इनका स्नोफॉल। मायोडिया देखी से ये लोकल लोकल गाइड, लोकल गाइड है हमारे। बहुत बहुत और ज्यादा हो रहा है, और हैवी, और हैवी हो रहा है, वाह। गाइस क्या बताएं इस व्यू के बारे में, इस नज़ारे के बारे में। हैवी स्नोफॉल, बहुत साल के बाद देख रहे हैं, बहुत सालों के बाद देखो ये लोकल ने फिर भी कर, बहुत सालों के बाद नसीब में हमारे साथ आया आप, इसीलिए देख पा रहे हैं आप हमारी वजह से ये हैवी स्नोफॉल। वाह, और पीछे हो रहा है, और जरा एक हिमाचल में हमने स्नोफॉल ढूंढना, जम्मू में ढूंढना, उत्तराखंड में ढूंढना, फाइनली हमको कहाँ आगे मिला है अपना प्लेस में अरुणाचल में। एंड वो इतना, एंड दिस पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट जहाँ पे आप आ सकते हो अचेसू वाले रोड से। इसके आगे ट्रैकिंग होता है, ट्रैकिंग के सामने एक बहुत ब्यूटीफुल सा मुझे झरना दिख रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द वेदर हम अभी नहीं जाएंगे। वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा झरना है। ओह वाह, और सारा बहुत सारा। ओह ओ तेरी, बहुत ज्यादा हो रहा है अभी देखो। अमेजिंग अमेजिंग गाइस, यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है। जन्नत गाइस, जन्नत कहा ब्रूनी में। Thank you. Bye. Bye. The China border. The China border. Beauty. आ गए हम चिगू कैंप। ये देखो चिगू कैंप के नजारे। ये है चिगू कैंप। प्लान तो किया था आने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि हम रहते हैं दिल्ली में। तो ये है असम से होके आना पड़ता है ये तिनसुकिया से, और मैं मेरा घर है तिनसुकिया में असम। तो घर आते ही हमने अनिनी आ गए।
एंजॉय होता है। नीचे तक दिखाई देता है पूरा, जो भी है पानी के नीचे सब कुछ क्लियर है, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। ये बहुत ही एक्चुअली अनएक्सप्लोर्ड जगह है, ये एक्सप्लोर्ड नहीं है अभी तक ज़्यादा, बहुत कम लोगों को पता है इस बार इसके बारे में। वीडियो तो देखे होंगे लोगों ने चिगू कैंप का, लेकिन आए नहीं होंगे, तो इस जगह पे आना चाहिए और इस जगह की लुफ्त उठाना चाहिए आके। क्योंकि हमने लंच ऑर्डर करके गए थे जाते टाइम, और रिटर्निंग में डेढ़ दो घंटे के बाद आके हमको अभी गरम गरम खाना मिला है। ये देखिए चिकन दाल एंड राइस और सलाद के साथ हम गरम गरम लंच कर रहे हैं अनिनी में। कितना मज़ा आ रहा है, ये देखो दो सिस्टर्स ये सर्व कर रहे हैं ब्यूटीफुली। और इस जगह पे खाने का मज़ा ही कुछ और है, और इनका जो लोकल जो राइस है बहुत ही टेस्टी बनती है, इस राइस से बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है। देखो कितना जैसे अच्छे से सजा के दिया है, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। बस अभी बैठे बैठे खाएंगे और ये राइस ऐसे ही है। आओ मनाली भेजो और शुरू करो। जो देखो जो पेड़ दिख रहे हैं ना कटिंग करके रखा है, वो कीवी पेड़ है यहाँ पे। चलो गाइस आपको कीवी पेड़ दिखाते हैं और पास से दिखाते हैं, आ जाओ और पास से कीवी के पेड़ दिखाते हैं और मिल और नीचे काटे मुझे ध्यान से और मिल जाए तो हम एक दो तोड़ के भी लाएंगे और खाएंगे भी हम, मुझे ध्यान से गिरना नहीं ठीक है, संभाल के मुझे एक दो भी मिल जाए हमें कीवी यहाँ से। ये देखो ले लो ना मार के कौन मैं भाल ये कीवी ये छोटा सा है नहीं पका है ये नहीं पर तोड़ लिया ना तोड़ लिया हां ये जो ओनर है इसका इस गार्डन का मुझे लग रहा है बहुत कंजूस है, एक भी नहीं छोड़ा। अच्छा उधर है उधर, लुक दिस इज कीवी। ओ कच्चा है ये कच्चा है ये कीवी के टाइम में आओ कच्चा है खट्टा होगा ये ऐसा ऐसा है और ये इतने स्मॉल स्मॉल कैसे होते हैं यहाँ के ठंडा से इसी होगी कि शायद यहाँ के इसी होते हैं खट्टा मीठा है इसको नीचे करना नहीं आएगा नीचे हो गया ना मैं लेके आ गया चलो ओ हो जाएगा हो जाएगा तीन ले लो बड़े बड़े तंगा नहीं मीठा तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:25 और हम ब्रूनी से आ गए हैं। देखिए व्यू पॉइंट के लिए हम अभी जा रहे हैं, तो ये वाली रोड है व्यू पॉइंट के लिए। अच्छा हम आ गए अनिनी के व्यू पॉइंट, ये टाउन के ऊपर है, अनिनी टाउन से ऊपर है। वो देखो ये भारत माता की जय, ये वाला है भारत माता की जय। ये मुदित मुदित मम्मी एंड हुनाली भाई होनाली भाई लोग यहाँ से लोग जाते हैं। व्हाट ए टाउन, व्हाट ए अनिनी टाउन हियर, द व्यू फ्रॉम दिस लोकेशन। हाँ क्या है मीट मीट सूख जाएगा। अच्छा मीट को सुखाने के लिए आप ये रखते हैं, तो ये आग के उसे गर्मी से वो सूख जाते हैं। हाँ हाँ सूख जाता है। ओके ओके नमस्ते बोलो दादी जी का। नमस्ते गुड बाय। खत्म कर दे इतने सारे भालू है यहाँ पे। बहुत सारे से पहले से आप भी है, मतलब बहुत बहुत सारे है यहाँ पे। इसलिए ना हम लोग खेती करना चाहता है पर
नहीं कर पाते सब भागेगा ना, वो खिचड़ी भी कर देता है तो वही खा देता है, खा जाते हैं सारे। ओ टीवी देख रहे हो? अच्छा क्या देख रहे हो टीवी में? फिर से अंदर का देख लेते हैं आपका। देख लीजिए, देख लीजिए ये आपका किचन है। वाओ स्मॉल टमाटर, ये स्मॉल टमाटर बढ़िया। बहुत खूबसूरत है आपका किचन। बहुत अच्छे से सजाया आपने ये किचन रखा है। ओए मनाली क्या क्या बन रहे बताओ मुझे, क्या क्या बना रहे हो आप हमारे लिए? हमने दाल बनाया, लोकल दाल। लोकल दाल? हाँ। अच्छा काली काली दाल, काली वाली? काली नहीं है, काली नहीं है, ग्रीन वाला। ये लो, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला। ग्रीन भी नहीं हो, ग्रीन नहीं है। कौन सी अरहर की दाल या उड़द की दाल? अच्छा राजमा टाइप की? हाँ, राजमा टाइप की है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन राजमा नहीं है, ये स्मॉल है। ठीक है ठीक है। ओ बढ़िया बढ़िया, ये तो मेन है, ये मेन है ये। वाओ इसको स्मेल करके देखो, चलेगा। ये देखो गाइस ये इनके लोकल जो ड्रिंक्स है इनके, इनके नाइस, मजा आएगा। ये घर में बनाया ना कहीं? बाहर से लाए, बाहर से लाए। वो देखो ये इस भैया ने बाहर से लेके आया हमारे लिए, इतना बढ़िया। हम पियेंगे, टेस्ट करेंगे इसको कैसा है। तो ये दो बोतल हमारे लिए लाए आज। इसको इसको बोलते लोकल लैंग्वेज में आपोंग बोलते हो? आपोंग नहीं बोलते ना आप? यू बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ईदू मिसमी में यू बोलते हैं। ओके ओके, और साथ में सकना भी बन रहे। बढ़िया बढ़िया, ठीक है आप लोग बनाते रहिए। चलो वो मुदित एडजस्ट हो गया। मुदित टीवी देखो, मोबाइल रखो अभी मुदित भाई के साथ। आपका नाम? दिने। हाँ ओके दिने, क्या लिखते हो आप पूरा नाम? मीरी। दिने मीरी। ओके राइस से बनता है ना ये, लोकली मेड मेरे राइस, राइस से बनता है ये। आपका ये जनवरी 6 एक्सी माय देवले केनरा रिएक्शन दे, दिल में मानता है ना। पर ये लो सकना, ये जो हम लोग का ये वार वार का टोपी, वार का हेट। हां यानी ये पहले जमाने में क्या होता था कि वो जमीन को लेके, हां वसु को लेके क्लान में फाइटिंग होता था। तो हां तो इसको पहनने से क्या होता था कि ये तीर वीर हो गया, आर्मर भी होता है सेफ्टी के लिए। वो ये दाओ दाओ से काटेगा जो है, दाओ जो इजीली मतलब इसको काट नहीं करता। अच्छा ये हां ये बेंबू का एकदम हार्ड वाला बेंबू का। हां तो कत्ता नहीं है मतलब दाव से? अच्छा और ये बाकी ये बेट का है? बेट, अच्छा बेट का है। हाँ ये तो डेली यूज करें, कहीं शिकार विकार जा रहा होगा तो शिकार विकार मीट वीट बुकने के लिए। अच्छा और ये नॉर्मल टोपी मतलब जो डेली यूज करता है, जैसे कि खेती जा रहा होगा, बारिश में कहीं जा रहा होगा, तो वैसे डेली यूज के लिए। ओके और ये जो थोड़ा फेस्टिवल हो समय पहनने के लिए। अच्छा फेस्टिवल में मतलब ये थोड़ा सुंदरता के लिए। और ये हम लोग इसको क्या बोलते हो? इसको स्पेशल आए थे हम, मतलब इसका अंदर में वो है तीर, तीर है इसका अंदर में। अभी है, अभी है। टाइगर को भी मारेगा तो मर जाएगा। मर जाएगा ना? ये वो मेरे जीजाजी ने बना के दिया। अच्छा नहीं जहर मिक्स नहीं है, जहर नहीं है, बस तीर है। ना होता होगा जहर नहीं है, ये जहर है। तो What is this? अच्छा जहर है इसमें। दारू का डब्बा रखते हैं। अच्छा दारू का दुबई आपको इससे बनता है, धुआं निकल रहा है इससे। ये जो अच्छा देखो गाइस घर की हालत देखो, आयश आयश उंचल देखो, बर्फ बन गई है, जमा हो गया आयश। ये वाइपर से भी नहीं जाएगा, ये जाम हो गया। ये ऐसा कंडीशन है यहाँ पे, और सामने का व्यू ऐसे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और
हमारे चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखते रहिएगा ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, और पहले भी बहुत सारे जगहों का वीडियो हमने बना रखे हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। सेफ जाने।